इस्लाबाद के एन 107 से पीटीआई के साबिक एमएनए शेख खुर्रम का पार्टी से अलहदगी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जरा के मुताबिक वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें आर्मी तनसीबात पर हमले की मजम्मत और पीटीआई से राहें जुदा करने का ऐलान भी मुतवक्के है। तो फैसलाबाद के एन 107 से पीटीआई के साबिक एमएनए शेख खुर्रम का पार्टी से अलहदगी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मजीद तफसीला जान लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद अजमल मलिक से। जी अजमल, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शेख खुर्रम जो है ये 9 मई के वाकयात के बाद फैसलाबाद के मंदिर आम से गायब थे। इनके मोबाइल नंबर बंद थे और इनके अहले खाना से भी रब्ता नहीं हो रहा था और आज अचानक ये मंदिर आम पे आए हैं और इन्होंने आज शाम 6 बजे अपनी रहायशगाह के ऊपर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है जिसमें आज तक एक हुक्म अमली के हवाले से ये ऐलान कर सकते हैं और ज्यादा इम्कान यही है कि पीटीआई के से इजहार तलकी करेंगे और जो 9 मई के वाकयात हुए हैं उनके ऊपर जो है वो मजम्मत करेंगे। शेख खुर्रम जो है ये पाकिस्तान के लीडिंग जो टैक्स पेयर हैं, सनतकार हैं, उनमें ये शामिल हैं। 2013 में ये फैसलाबाद के पहले जो है पार्लियामेंटेरियन पीटीआई के मुंतखब हुए थे और इमरान खान की जो कॉल थी कौमी असम्बली से इस्तीफों की, उसके बाद इन्होंने ये रिजाइन किया था और अभी जो है ये मंजर आम से गायब। शेख खुर्रम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहुत शुक्रिया अजमल मलिक हमें अपडेट करने का।